हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस, एक सेंटेंस लिखता है क्वेश्चन में और उसमें एक अंडरलाइन कर देता है कुछ वर्ड्स को और लिखता है कि अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स का सारा लेकर आप कोई भी क्वेश्चंस तैयार कीजिए। जैसा मतलब जिस वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया होता है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस हमें तैयार करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे ऑप्शंस भी, चार ऑप्शंस भी देता है कि इन चारों में से क्या होगा, ठीक फ्रेंड्स। ये तो और इजी बात हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए एक बार। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स phrases as their answer, ठीक है फ्रेंड्स। एंड 52 नंबर पर लिखा है रवीना कैन रीड 10 आवर्स कंटिन्यूसली, ओके फ्रेंड्स। इसमें 10 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और नीचे ऑप्शन दिया है हाउ मच कैन रवीना रीड कंटिन्यूसली। दूसरा ऑप्शन है व्हाट कैन रवीना रीड 10 आवर्स कंटिन्यूसली। इसमें 10 आवर्स पे 10 पे इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके हिसाब से समझते जा रहा है 10 मतलब, इसका मतलब बताया जा रहा है कि रवीना 10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ सकती है। तो 10 घंटे इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब प्रायोरिटी किसकी है, 10 की। तो 10 अंडरलाइन 10 किया हुआ है, इसलिए घंटा मतलब कितना घंटा पढ़ सकती है, 10 घंटा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन इसमें होगा वैसा ही होगा। तो व्हेन कैन रवीना रीड 10 आवर्स कंटिन्यूसली, रवीना कब 10 घंटे पढ़ सकती है, हाउ मेनी आवर्स कैन रवीना रीड कंटिन्यूसली, रवीना कितने घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकती है। इन चारों में से ये जो डी का है, आप डी को ध्यान से देखो, डी का जो है हाउ मेनी आवर्स कैन रवीना रीड कंटिन्यूसली, ये सही बैठता है इस पर, क्योंकि 10 के नीचे, आवर्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने घंटे रवीना पढ़ सकती है। उसमें इसका जवाब दिया है रवीना कैन रीड 10 आवर्स कंटिन्यूअसली, ओके फ्रेंड्स। इसमें से जिस क्वेश्चन का भी जवाब ये फिट बैठता है आपको, आपकी समझ से, वही यहाँ पर ये आंसर में लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझना है कि यहाँ पर टाइम दिया है और नंबर्स में दिया है, तो नंबर्स में दिया है तो वहाँ पर हाउ मेनी और हाउ मच होगा, ठीक है। और दिन, तारीख, समय और किसी क्या बोलते हैं, और यहाँ पर दिन, तारीख, समय और किसी फेस्टिवल्स, त्यौहार के बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर व्हेन होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, नंबर्स है, 10 आवर्स नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा हाउ मेनी, ओके फ्रेंड्स। किसी भी सेंटेंस में अगर नंबर्स पर अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें हाउ मेनी होगा, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। बट एक मैं आपको एक सरल तरीका समझने की बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वेयर कब होगा, जब किसी जगह की चर्चा हो रही हो और जगह के नीचे अंडरलाइन किया हुआ हो तो वहाँ पर वेयर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको बनाते हैं, इसका हम क्या बनाएंगे कि हाउ मेनी आवर्स कैन रवीना रीड कंटिन्यूअसली, ओके फ्रेंड्स। हाउ मेनी आवर्स कैन रवीना रीड कंटिन्यूअसली, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रवीना कितने घंटे पढ़ सकती है, तो इसका सटीक आंसर है रवीना कैन रीड 10 आवर्स कंटिन्यूअसली, रवीना 10 घंटे तक कंटिन्यूअसली पढ़ सकती है, ओके फ्रेंड्स। अब इसका जवाब तो मिल गया, अभी इसका ढूंढते हैं। I visited the library with a view to an English newspaper. मैंने English newspaper के लिए library को visit किया, library गया था, okay friends? तब इसका हम screen पर देखते हैं question. Question number 53. I visited the library with a view in reading an English newspaper. Okay friends? तो नीचे दिया है how Did you visit the library? तुमने library visit कैसे किया? इसका आंसर ये फिट नहीं बैठता है, क्योंकि उसमें लिखा है
मैंने लाइब्रेरी विजिट किया न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए ठीक है तो ये जवाब फिट नहीं बैठता है व्हाई डिड यू विजिट द लाइब्रेरी तुमने लाइब्रेरी क्यों विजिट किया ठीक फ्रेंड्स तो यहां पर व्हाई सही बैठता है यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है कि विद द व्यू टू रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर मींस मैं लाइब्रेरी गया था या गया इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए तो क्यों गया था इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए ठीक है फ्रेंड्स ये सही जवाब बैठता है यहां पर हो जाएगा व्हाई डिड यू विजिट द लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर बी बी में जो दिया है व्हाई डिड यू विजिट द लाइब्रेरी वो सही होगा यहां पर सी में दिया है व्हाई डू यू विजिट द लाइब्रेरी तुम लाइब्रेरी क्यों जाते हो तो यहां पर जाते हो प्रेजेंट में हो गया लेकिन ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल ही नहीं है और चौथा हो गया फॉर व्हाट बी हो गया व्हाई डिड यू विजिट द लाइब्रेरी तुम लाइब्रेरी क्यों गए ठीक है और चौथा हो गया डी नंबर फॉर व्हाट डिड यू विजिट द लाइब्रेरी तुम किसके लिए लाइब्रेरी गए ठीक है फ्रेंड्स फॉर व्हाट ये सटीक बैठता है तुम किस चीज के लिए तुम लाइब्रेरी गए इसमें लिखा है आई विजिटेड द लाइब्रेरी विद अ व्यू टू रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ठीक है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए गए थे तो इसका सटीक आंसर हो गया डी फॉर व्हाट डिड यू विजिट द लाइब्रेरी ओके फ्रेंड्स यहां पर लिखेंगे हम फॉर व्हाट Did you visit the library? Okay, friends. तुम library किस चीज के लिए गए थे? For what? किस बात के लिए गए थे? किस चीज के लिए? किस लिए गए थे? तो newspaper के लिए गए थे. ये सही जवाब होता है. यहाँ पर ऐसा होगा. ये friends question बनाना सीखो. Okay? अबे तीसरा है रोहन makes rangolis. और फ्लावर्स ऑन ओनम यहाँ पर ओनम पर अंडरलाइन है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर रोहन ओनम के अवसर पर फ्लावर्स का रंगोली बनाता है ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं फिर से हम क्वेश्चन है रोहन मेक्स रंगोलीज और फ्लावर्स ऑन ओनम इसमें ऑन ओनम पर अंडरलाइन किया हुआ है अभी ऑप्शन देखते हैं ए व्हाट डज रोहन मेक्स रोहन क्या बनाता है इसमें जवाब में लिखा है रोहन ओनम पर रंगोली बनाता है ये ऑन ओनम पर अंडरलाइन है इसलिए इसमें जवाब फिट नहीं बैठता है ठीक है तो रोहन मेक्स रंगोली ऑफ फ्लावर्स इतना बोल देंगे तो जवाब मिल जाएगा इसका लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है कि व्हाई डज रोहन मेक्स रंगोली ऑफ फ्लावर मोहन फ्लावर के रंगोली क्यों बनाता है तो यह इसका भी सटीक आंसर यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा है कि रोहन मेक्स रंगोली ऑफ फ्लावर्स ऑन ओनम रोहन ऑन ओनम इस ओनम के अवसर पर रंगोली फ्लावर्स का रंगोली बनाता है रोहन ओनम के अवसर पर फ्लावर्स के रंगोली बनाता है तो रोहन ओनम के अवसर पर फ्लावर के रंगोली बनाता है यह भी फिट नहीं बैठता है सी हुआ व्हेन डज रोहन मेक रंगोली ऑफ फ्लावर रोहन फ्लावर्स के रंगोली कब बनाता है कब तो ये फिट बैठता है क्योंकि ओनम ऑन ओनम किसी अवसर मीन्स किसी अवसर या ओकेजन्स के बारे में लिखा है दिन तारीख के बारे में लिखा है तो वहां पर व्हेन का ही इस्तेमाल करेंगे इतना समझ लेना फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो यहां पर आंसर हो गया सी नंबर व्हेन डज रोहन मेक रंगोलीज ऑफ फ्लावर यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे व्हेन Does Rohan make rangolis of flowers? ठीक है फ्रेंड्स तो when does Rohan make rangolis of flowers? इसका आंसर हो गया Rohan makes rangolis of flower on Onam. यहां पे पूछ रहा है कि कब बनाता है वो इसमें आंसर में दिया है कि ओनम पर बनाता है वो फ्लावर्स के रंगोली ठीक है
तो ये जवाब सटीक बैठना चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस जब बनते हैं ऑप्शन दिया रहता है उसमें से आप पढ़ पढ़कर समझ सकते हो अच्छी तरह से. फ्री में एक हिंट दे रहा हूँ कि कभी भी ओकेजन्स हो जैसे दिवाली या कोई भी त्यौहार होली ओणम संक्रांत या दिन तारीख दिया रहेगा कि सोमवार फरवरी साल तो इसमें ऐसा अगर उसमें अंडरलाइन दिया हुआ है दिन तारीख और किसी ओकेजन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है तो उसमें वेल लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स. अगर नंबर्स दिया है नंबर्स जैसे 10, 12, 20 मेनी सम तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. अगर जगह का चर्चा किया हुआ है कि तो मैं मुंबई जाता हूँ और मुंबई पर अंडरलाइन किया हुआ है तो वहाँ पर वेयर से फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है. तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.